क्वेश्चन नंबर 7 देखना, जर्नल एंट्री, ठीक है, मैं विदाउट कॉलम किसे बना रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रमोद एंड कंपनी से उधार माल खरीदे हैं, उधार माल खरीद रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, तो परचेज करें तो परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट। सामान हमारे पास आ रहा है, किसे परचेज करें, प्रमोद से, तो प्रमोद एंड कंपनी, ठीक है, कितने रुपए, 30,000 रुपीज बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज कर रहे हैं हम लोग, आ रहा तो डेबिट, देने वाला क्रेडिट हो गया, ठीक है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2, ट्रेड एक्सपेंडिचर हो रहा है तो पैसा देना पड़ेगा, व्यापारिक में हुआ है, ट्रेड एक्सपेंडिचर हो रहा है तो डेबिट में, ट्रेड एक्सपेंडिचर, ट्रेड एक्सपेंसेस ही है क्या, एक्सपेंसेस अकाउंट, डेबिट खर्चे हैं तो डेबिट कर दिए, पैसे जाएंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है, 250 रुपीज बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सैलरी दे रहे सतीश को सैलरी दे, राम को सैलरी दे, या किसी को भी सैलरी दे रहे हम लोग, तो नाम को नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये मिल रहा है, ब्याज मिला, राम से ब्याज मिला, श्याम से ब्याज मिला, या दे रहे हैं सैलरी, दे रहे हैं कमीशन, दे रहे हैं, सैलरी पेड टू सतीश या सैलरी रिसीव टू फ्रॉम सतीश, तो हम लोग नाम को नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्या एंट्री करते हैं, सैलरी खर्चा है डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, पैसे हमारे पास से जा रहे हैं टू कैश अकाउंट, सतीश को सैलरी दे रहे हैं हम लोग, है ना, तो नाम को नहीं लिखे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड 400 रुपए, सैलरी पेड 400 रुपीज, ठीक है। सतीश को सैलरी दे, चाहे राम को दे, श्याम को दे, किसी को दे, नाम हम लोग नहीं लिखते, सैलरी पेड टू सतीश था क्वेश्चन में, और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे, सतीश रिसीवर है, पाने वाला है, तो नाम नहीं लिखेंगे, नाम तभी लिखते हैं जब हम लोग उधार बेचे हो या उधार खरीदे हो, जब या वो पेमेंट कर रहा हो या उसको पेमेंट हम लोग दे रहे हो, पहले का पैसा बचा हुआ पैसा दे रहे हो तब। नंबर 9 पढ़ रहे हैं, 9 में एक पॉइंट है उसी जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होमवर्क में बन जाएगा, ठीक है, तो आप लोग बना लेना, और डायरेक्ट 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, दिया है रमेश श्रीवास्तव जो है 5,00,000 रुपए कैश से, ठीक है, और 1,00,000 रुपए गुड्स से, और 2,00,000 रुपए की मशीन से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कौन, रमेश श्रीवास्तव, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो बिजनेस कुछ दे रहे हैं, कॉलम कंप्लीट कर देते पहले, ठीक है, डेट पार्टनर रिजर्व फॉर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, रमेश श्रीवास्तव बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 फरवरी 2016, ठीक है, 1 फरवरी, ठीक है, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग है, ठीक है, फिर गुड्स से स्टार्ट कर रहा है, तो गुड्स के लिए यूज करते हैं स्टॉक अकाउंट डेबिट, 5,00,000 रुपए का कैश था, 1,00,000 रुपए का सामान था, और 2,00,000 रुपए की मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी आ रहा है बिजनेस में, तीनों चीजें बिजनेस में लगा रहा है, तीनों चीजें बिजनेस में आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है, बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के लिए क्या यूज करते हैं लोग, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, टोटल हो जाएगा 8,00,000 रुपए, ठीक है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ
कैश कॉमा स्टॉक एंड मशीनरी। ठीक है, उसके बाद 2 फरवरी को धारपाल खरीदा, शरद से, रजत से और भगत से, 3 लोग से खरीद रहे हैं। ठीक है, शरद से, रजत से और भरत से, भगत से। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम शरद, रजत एंड भगत, 2 फरवरी परचेज कर रहे हैं, तीनों से परचेज कर रहे हैं, एक साथ एंट्री करते कंबाइन एंट्री, इसको मतलब कंबाइन एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तीनों से परचेज कर रहे थे, परचेज अकाउंट डेबिट एक बार लिख दो, परचेज अकाउंट डेबिट, तीनों से परचेज कर रहे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू शरद से परचेज कर दो, टू शरद, ठीक है, टू रजत और टू भगत, 3 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तीनों से हम लोग परचेज कर रहे हैं, मार्केट गए, तीनों से परचेज करके ले आए। ठीक है, कितना कितना गए, 10,000, 30,000, 40,000, 60,000। ठीक है, 30,000 का शरद से, 30,000 रुपये का, 40,000 हो गया हमारा रजत से और 60,000 हो गया हमारा भगत से, टोटल हो जाएगा हमारा 1,30,000 रुपीज़। ठीक है, तीनों से उधारी खरीदे थे, क्रेडिट परचेज करे, तो तीनों का नाम लिख दिया हम लोग, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट उधार खरीदे। ठीक है, क्लियर इतना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उधार माल बेचा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जॉर्ज को 10,000 का, अन्नास को 15,000 का और कलीम को 35,000 का। ठीक है, जिनको हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, कौन से डेट को, 18 फरवरी को, अब हम लोग सेल कर रहे हैं, 5 फरवरी को सेल कर रहे हैं। ठीक है, 5 फरवरी सेल कर, ठीक है, जॉर्ज को, जॉर्ज डेबिट 10,000 का, जॉर्ज को सेल किए। ठीक है, अविनाश को सेल किया है, अविनाश डेबिट, नाम के साथ एस लगाते हैं तो अकाउंट लिखते हैं, तो नहीं लिखते। ठीक है, थर्ड फिफ्थ कलीम को सेल किए, कलीम डेबिट, ठीक है, 10,000, 15,000 और 35,000, 35,000 सेल कर रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट, टोटल ऐड कर तो कितना जाएगा, 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 का सेल कर दिए, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल के थे, ऑन क्रेडिट हो गया। ठीक है, क्लियर था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है खर्चे का पेमेंट किए। ठीक है, पेड एक्सपेंसेस सैलरी 700, स्टेशनरी 800, कैरी 900, स्टेशनरी सॉरी इंटरेस्ट 1,000। ठीक है, सबको पे कर रहे हैं, 18 तारीख को हम लोग 18 फरवरी को पे कर रहे हैं। ठीक है, पे कर रहे हैं, सभी खर्चे हैं, सभी खर्चे क्या होते हैं हमारे, डेबिट हो जाते हैं, तो डेबिट करते जाओ। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट 700 रुपीज। ठीक है, सैलरी का 700 लिखिए, उसके बाद हमारा स्टेशनरी 800 रुपीज, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 800 रुपीज। ठीक है, उसके बाद कैरेज दिया हुआ है, कैरेज कैरेज अकाउंट डेबिट 900 रुपीज। ठीक है, फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज। टोटल हमारे पास से कितना कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट हमारे पास से टोटल कैश जा रहा है 125,34। ठीक है, 3,400 रुपये हमारे पास से कैश जा रहा है। ठीक है, अरे मिस्टेक था क्या, चेक कर लें, सैलरी स्टेशनरी कैरेज इंटर सब पे हो रहा है, तो बीइंग एक्सपेंसेस पेड लिख देते हैं, या फिर सबका नाम लिख के पेड लिखना पड़ेगा। ठीक है,
बीइंग सैलरी कॉमा स्टेशनरी कॉमा कैरेज, ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेड। ठीक है, कंप्लीट है ना। फिर लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा 28 फरवरी को राम और सोहन प्रत्येक ने 10,000 नगद और 20,000 का माल उधार खरीदा। परचेज फ्रॉम राम एंड सोहन ईच रुपीज 10,000 क्रेडिट परचेज कैश परचेज और 20,000 क्रेडिट परचेज। ठीक है, हम मार्केट गए। ठीक है, मार्केट जाके हम लोग उधार परचेज कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं। ठीक है, राम से हम लोग 30,000 का खरीदे, श्याम से 30,000 का खरीदे, 10,000 रुपए का नकद दे दिया और 22,000 का उधारी हो गया। ये है इसकी कहानी। हम लोग राम और श्याम से दोनों से 30,000 का खरीद के लाए और 10,000 उनको पेमेंट कर दिए, मतलब दोनों से 10,000 का नकद खरीदे, 22,000 की उधारी खरीदे हैं। ठीक है, ठीक है, तो परचेज कर रहे हैं हम लोग। डेट क्या दिया हुआ है? 28 फरवरी। ठीक है, 28 फेब परचेज कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू राम, टू श्याम और टू कैश। ये तीनों नाम आगे पीछे हो सकता है ना, ऐसा नहीं जैसे मैं लाइन लिखा वैसे लिखना। ठीक है, पहले कैश भी लिख सकते थे। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज कैश एंड क्रेडिट दोनों है ना, बीइंग गुड्स परचेस्ड खत्म, ऑन कैश एंड क्रेडिट दोनों सकते हुए छोड़ दो। ठीक है, कितने का खरीदे हैं? 60,000 का परचेज किए हैं। ठीक है, राम से 20,000 का उधार खरीदे, श्याम से 20,000 का उधार खरीदे और दोनों से 10,000 का नकद खरीदे कैश में परचेज किए, तो 20,000 का कैश में परचेज हो गया। ठीक है, कंप्लीट। अब टोटल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल करें तो ये 60, 60, 120 और 130, 250 और 10, 50 और 3 हो जाएगा 10, 0, 5, 3, 4, 0। ठीक है, 10, 0, 5, 3, 4, 0।